हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल बैंक सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल बैंक मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे सेल्स का बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम से क्या समझते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी चीज़ को डिपॉजिट करके रखा जाता है। तो ये ऐसा बैंक है जिसमें कि सेल्स को डिपॉजिट करके रखा जाता है, जिनको आप जब भी चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल बैंक सिस्टम। सेल बैंक सिस्टम, सेल बैंक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ वायल्स विद डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसी वायल्स होती हैं सेल बैंक में जो कि एकदम वेल डिफाइंड और यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाली होती हैं। वायल्स क्या होती हैं? वायल्स कुछ इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिनमें कि सेल्स को स्टोर करके रखा जाता है, और कुछ इस तरीके से क्रायो बॉक्सेस होते हैं जिनमें कि चैम्बर्स बने हुए होते हैं। उन चैम्बर्स में इन वायल्स को रख दिया जाता है। तो बहुत सारी वायल्स रखी होती हैं इन चैम्बर्स में, तो इसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोला जाता है, क्योंकि ये चैम्बर्स हैं, हर एक चैम्बर में सेम वायल रखी हुई है, सेल्स रखी हुई हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला सिस्टम बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज, अ क्लोन with high production level is chosen for large scale production। होता क्या है, जो सेल्स रखी हैं आपके पास में, उसमें से आप ऐसी सेल्स को चूज़ करते हैं जिनमें कि इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप ऐसी एक क्लोन को, एक वायल को सेलेक्ट करते हैं जिनमें कि एक्सप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ज़्यादा रेप्लिकेशन पावर है उनकी, तो जितना ज़्यादा रेप्लिकेट होंगी उतना ज़्यादा प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन अल्टीमेटली बनेगी एक्सप्रेस होके, जो कि वर्क करेगी। तो जिसमें एक्सप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए चूज़ कर लिया जाता है। From this clone, a master cell bank. Master cell bank क्या होता है, previous lectures में पढ़ चुके हैं। Master cell bank cells की repository होती है, जहाँ पे बहुत सारी cells होती हैं, और इसी से आपको जब लेना होता है, आपको cells चाहिए work करने के लिए, तो आप उससे बना लेते हैं working cell bank। तो ये जो high expression level वाली cells आपको मिली, उनसे आप master cell bank बना लेते हैं। After expansion in liquid culture, liquid culture क्या, एक मीडिया होता है कुछ इस तरीके से, फ्लास्क होते हैं सेल्स के लिए, इस तरीके से फ्लास्क होते हैं, दो तरीके के होते हैं, T25 या T75 फ्लास्क। इसमें लिक्विड कल्चर होता है जिसको कि हम मीडिया बोलते हैं, और उसी में सेल्स को रखा जाता है ग्रो करने के लिए। By aliquating these cells suspension in vials that are stored at temperature of -60 or below। अब होता क्या है, सेल बैंक में आपको अगर सेल्स को स्टोर करना है तो उनको किसी भी फ्रीजिंग मीडियम में डालते हैं, फ्रीजिंग मीडियम जो इजिली फ्रीज हो जाता है, फिर उसको -60 या फिर उससे भी कम टेम्परेचर पर रख के स्टोर कर दिया जाता है। ऑल दी कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर द एस्टैब्लिशिंग द मास्टर सेल बैंक मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल। जो भी चीज़ों को, कंपोनेंट्स को मास्टर सेल बैंक बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि सेल सबस्ट्रेट, सेल सबस्ट्रेट क्या है, जैसे कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है, सोर्स क्या है, लीनिएज एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ईस्ट होस्ट स्ट्रेन, कि किस होस्ट स्ट्रेन में ग्रो कराना है उनको। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, और उनका प्रोपोगेशन कैसे होना है, ये सारी डिटेल होती है, इनको सेल सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसके अलावा कल्चर मीडियम कौन सा है, सेल्स को किस कल्चर में आप ग्रो करा सकते हैं,
कंटेनर्स कौन से यूज़ करने हैं और स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या पीएच चाहिए, ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो मास्टर सेल बैंक बनाने के लिए ये सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को पता है उसने कर लिया, नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि जो भी उनकी हैंडलिंग कर रहा है उसको हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड मिले और वो उसको परफॉर्म कर सके। फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मास्टर सेल बैंक वायबिलिटी ऑफ द सेल सबस्ट्रेट प्रेजेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट जेनेटिक स्टेबिलिटी दैट इज कॉपी नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन कैसेट फॉर्म थायलोट्रॉफिक ईस्ट और प्लाज्मिड कॉपी नंबर फॉर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी रिस्पेक्टिवली एंड माइक्रोबियल प्योरिटी आर डिटरमाइंड। मास्टर सेल बैंक में सेल्स जो हैं उनकी वायबिलिटी कितनी है, मतलब कि जो सेल्स हैं उनमें से जब आप ग्रो कराते हैं तो कितनी सेल्स ग्रो कर रही हैं, 90% ग्रो कर रही हैं, 100% सारी ही सेल्स ग्रो कर रही हैं या फिर 70%, ये इसको बोलते हैं सेल वायबिलिटी। तो पहले देखते हैं कि सेल्स की वायबिलिटी कितनी है, एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट की प्रेजेंस और फंक्शनैलिटी क्या है, जेनेटिक स्टेबिलिटी कैसी है, जैसे कि जो कॉपी नंबर है वो अच्छा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को पहले देखा जाता है। उसके बाद में माइक्रोबियल प्योरिटी को भी डिटरमाइन किया जाता है कि कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है किसी भी प्रकार का, माइकोप्लाज्मा का या कोई और चीज़ का कंटेमिनेशन तो नहीं है। कैरेक्टराइजेशन इज टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेड एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स। अगेन, जो भी कैरेक्टराइजेशन होना है वो वेल डॉक्यूमेंटेड और एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना है। Typically, one vial of the master cell bank is subsequently expended in a liquid culture. Culture media होता है, उसमें master cell bank में जो भी cell हैं, एक vial की cell को उसमें आप pour कर देते हैं. Aliquoted into individual vials, फिर उसको individual अलग-अलग vials में डालते हैं थोड़ा-थोड़ा. And stored frozen to provide a working cell bank. फिर master cell bank कैसे बनाते हैं, फ्रीज कर दिया जो भी आपका मीडियम है, फ्रोजन मीडियम से कुछ सेल्स निकाली और आपने उससे बना लिया वर्किंग सेल बैंक। मास्टर सेल बैंक से वर्किंग सेल बैंक बन गया और इसी वर्किंग सेल बैंक का आप यूज़ करते हैं, डायरेक्टली मास्टर सेल बैंक की सेल्स नहीं लेते हैं, इनको स्टोर रहने देते हैं, इनमें से कुछ सेल्स लेके वर्किंग सेल बैंक बनाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। So the working cell bank is characterized in terms of identity, purity and content. अब जो working cell bank बनाया है, again उसको characterize करना है, उसकी identity है कि नहीं, purity है या फिर कोई contamination है, content क्या क्या है, जैसे कि cell viability कितनी है, with a subset of methods employed for the master cell bank. और ये जो करेक्टराइजेशन हो रहा है इसके लिए जो मेथड्स यूज़ होंगे वो मिलते जुलते मेथड होंगे जो कि यूज़ किए गए हैं मास्टर सेल बैंक के करेक्टराइजेशन के लिए। अब आता है कल्टीवेशन या फर्मेंटेशन। कल्टीवेशन किस तरीके से होता है सेल्स का, सबसे पहले देखेंगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी या फिर जो बेकर सिस्ट है या ब्रिवर्स ईस्ट है उसका कल्टीवेशन। द बायोमास रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोडक्शन साइकिल इज जेनरेटेड फ्रॉम वन और अ फ्यू वायल्स ऑफ द वर्किंग सेल बैंक। एक प्रोडक्शन साइकिल के लिए जो भी बायोमास रिक्वायर्ड होता है उसको एक या दो वर्किंग सेल बैंक की वायल्स लेते हैं और उससे बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से वायल्स होती हैं, इसमें सेल्स स्टोर रहती हैं, तो इनमें से
एक या दो वायल लिया, उसको ग्रो करा लिया कल्चर मीडियम में, और ये आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है, एक प्रोडक्शन साइकिल वो इससे बन जाएगी। ईस्ट सेल्स आर ग्रोन इन अ शेक फ्लास्क कल्चर। जो ईस्ट सेल्स होती हैं, इनको शेक फ्लास्क कल्चर में ग्रो कराया जाता है या फिर स्मॉल फर्मेंटर में ग्रो कराया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या फ्लास्क, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं सेल्स को ग्रो कराने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि सेल कौन सी है। हर एक सेल के अकॉर्डिंग फ्लास्क होते हैं। जैसे कि ईस्ट सेल्स को ग्रो कराने के लिए यहाँ पे शेक फ्लास्क कल्चर का यूज़ किया जाता है, या फिर छोटे छोटे फर्मेंटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कल्टिवेशन प्रोसीड्स इन फर्मेंटर्स। और कल्टिवेशन की प्रोसेस टोटली फर्मेंटर्स में ही होती है, और मोस्टली इसके लिए स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है। विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम 5 to 20 fold एट ईच स्टेप डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन फर्मेंटर। होता क्या है, आपको कितना सेल्स को ग्रो कराना है, कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन फर्मेंटर जो है वो किस हिसाब से लेना है। और इसको फर्मेंटेशन ट्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि हर स्टेप पे जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंज कर रही हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन फर्मेंटर भी चेंज हो रहा है। फर्मेंटेशन इज accomplished यूजिंग अ डिफाइंड मीडियम। फर्मेंटेशन के लिए एक डिफाइंड मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि एक ऐसा मीडियम लेते हैं जिसमें कि ल्यूसीन नहीं प्रेजेंट होता है। ल्यूसीन क्या करता है, एक तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर होता है, सेलेक्शन मार्कर जिसको कि बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अगर ल्यूसीन लेकिंग मीडियम है तो ये मेंटेन करेगा सेलेक्टिव प्रेशर इन द ल्यूसीन माइनस होस्ट स्ट्रेन। ऐसे स्ट्रेन जिनमें कि ल्यूसीन नहीं प्रेजेंट है उनको सेलेक्ट करने के लिए ये एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा। एंड ऑपरेटेड इन अ फेड बैच मोड। और इसको ऑपरेट करने के लिए फेड बैच मोड की ज़रूरत होती है। पहले देखिए, सेल्स को जब ग्रो कराया आपने तो स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर का यूज़ किया, उसके बाद में जो फर्मेंटेशन हो गया है, फर्मेंटेशन को फेड बैच मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। दैट इज न्यूट्रिएंट्स आर फेड टू द कल्चर इन अ वे इंश्योरिंग स्टेडी सेल ग्रोथ एंड एंटीजन प्रोडक्शन। फेड बैच में न्यूट्रिएंट्स को इस तरीके से सप्लाई किया जाता है कि स्टेडी सेल ग्रोथ आपको मिले और एंटीजन का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहे। As the promoters typically used in Saccharomyces cerevisiae are derived from constitutive glycolytic genes, जो promoters होते हैं Saccharomyces cerevisiae के लिए, अगर ये जीन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रमोटर होगा, ये प्रमोटर constitutive glycolytic genes होते हैं, उनसे derived होते हैं। And the fermentation process is straightforward. कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अप डाउन्स आ रहे हैं प्रोसेस में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इन दैट द एक्सप्रेशन ऑफ HBsAg, दैट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सिंपली पैरेलल्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द इंक्रीज ऑफ बायोमास। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस सेंस में है कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बन रहा है, हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के रिगार्डिंग ही चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी, तो ये जो सरफेस एंटीजन बन रहा है इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो इनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ में इनका बायोमास भी बढ़ रहा है, नंबर भी इनका बढ़ रहा है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ये नहीं करना है कि बायोमास बढ़ाने के लिए कोई अलग से प्रोसेस करनी है और इनकी एनर्जी के लिए कुछ अलग से प्रोसेस करनी है, सारी चीज़ें चल रही हैं, यूटिलाइजेशन भी हो रहा है ग्लूकोज का
और बायोमास भी साथ में ही बढ़ रहा है। In addition, the identity of the host strain is confirmed. जो host strain है उसकी identity confirm की जाती है, presence of auxotrophic markers, कुछ markers present होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने जो cell को, जो gene of interest को transfer किया है, grow कराया है किसी भी cell में, आपको अगर पता करना है कि वो सेल जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया है उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ मार्कर्स चाहिए होते हैं। द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द फर्मेंटेशन कल्चर इज ऑल्सो टेस्टेड फॉर माइक्रोबियल प्योरिटी। जो फाइनल हार्वेस्ट होता है, फाइनल हार्वेस्ट मतलब कि फाइनली आपने फर्मेंटेशन मीडियम से जो भी कल्चर है अपनी उसको निकाल लिया है, उसको आप अपने यूज़ के लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनल हार्वेस्ट माइक्रोबियल प्योरिटी के लिए टेस्ट किया जाता है कि जो फाइनली आपके पास में सेल्स आई हैं उन सेल्स में कोई भी कंटेमिनेशन तो नहीं है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड दैट such assays can detect less than 100 contaminating organisms per milliliter of fermentation culture. Microbial purity को test करने के लिए जो assays का use होता है वो अगर 1 ml sample की आप बात करें तो 1 ml में अगर 100 से भी कम organisms present होंगे contamination करने वाले, तो ये उनको भी detect कर सकता है। नेक्स्ट है एच पॉलीमार्फा और पी पैस्टोरिस। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आज हम इनका देखने जा रहे हैं कल्चर किस तरीके से होता है। द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द मिथाइलोट्रॉफिक ईस्ट इज डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट मेथेनॉल इंडक्शन। ये जो एच पॉलीमॉर्फा है और पी पैस्टोरिस है, ये मिथाइलोट्रॉफिक ईस्ट होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए मेथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो मिथाइलोट्रॉफिक ईस्ट के फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इनको सफिशिएंट अमाउंट में मेथेनॉल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बिना मेथेनॉल के ये ग्रो नहीं कर सकते। मेथेनॉल एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, तो ये जो मिथाइलोट्रॉफिक ईस्ट हैं इनको ग्रो कराने के लिए, इनका फर्मेंटेशन कराने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एफिशिएंटली मेथेनॉल इंडक्शन करवाएं, मेथेनॉल से इंड्यूस करवाएं इनको। बोथ एच पॉलीमॉर्फा एंड पी पैस्टोरिस स्ट्रेन्स कैन बी कल्टिवेटेड इन डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम। इन दोनों ही मिथाइलोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट कराया जा सकता है अंडर नॉन सेलेक्टिव कंडीशंस। नॉन सेलेक्टिव कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं यूजिंग ग्लिसरॉल एज कार्बन सोर्स, और कार्बन सोर्स की तरह यहाँ पे ग्लिसरॉल का यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, मोस्टली एक्सेप्शनल एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो ये दोनों ही मिथाइलोट्रॉपिक ईस्ट हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है वो इनका मीडियम कौन सा है, डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम होता है, और ये नॉन सेलेक्टिव कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बन सोर्स की जगह यहाँ पे ग्लिसरॉल का यूज़ होता है, ग्लूकोज की जगह यहाँ पे ग्लिसरॉल यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। सो यूजिंग ग्लिसरॉल एज कार्बन सोर्स फॉर द इनिशियल बिल्डअप ऑफ बायोमास। जो इनिशियली बायोमास बिल्डअप होता है इनका, नंबर बढ़ता है,
उसके लिए ग्लिसरॉल एज अ कार्बन सोर्स यहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर एच पॉलीमॉर्फा बेस्ड प्रोडक्शन अ 5-I-seed एंड 50-L प्रोडक्शन फर्मेंटर्स आर कमर्शियली यूज्ड। लगभग 5 लीटर का सीड यूज करते हैं और कम से कम 50 लीटर प्रोडक्शन फर्मेंटर का यूज करते हैं। एच पॉलीमॉर्फा का इंडस्ट्रियल स्केल पे जब प्रोडक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या सीड क्या होता है, सीड वो सेल का नंबर होता है जिसको आप इनिशियली किसी भी फर्मेंटर में डालते हैं ताकि उनसे और भी ज़्यादा सेल्स का प्रोडक्शन हो सके। तो जैसे कि आपने ये 4 सेल्स डाल दी फर्मेंटर में, फिर इन 4 सेल्स से यहाँ पे आपको बहुत सारी सेल्स देखने को मिल गई, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स का प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या है, ये आपका जो बायोमास बन के रेडी हुआ है रेप्लिकेशन के बाद में, तो ये तो हो गया आपका मेन बायोमास जो आपको चाहिए। और जो ये स्टार्टिंग में आपने 4 सेल्स डाली थी, ये होता है सीड, इसको बोलते हैं सीड। तो एच पॉलीमॉर्फा के केस में 5 लीटर लगभग आपको सीड डालना होता है और लगभग 50 लीटर प्रोडक्शन फर्मेंटर का यूज़ होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 50 लीटर तक आपको जो आपका प्रोडक्ट है फर्मेंटर में बनेगा और आपको 5 से 50 लीटर का प्रोडक्ट मिल सकता है। The production fermenter is fermentation is conducted in a 2-carbon source mode. जो production fermentation होता है ये 2-carbon source mode में conduct कराया जाता है। यहाँ पे figure भी दिया हुआ है, देखिएगा। Schematic fermentation profile of H. polymorpha strain expressing hepatitis B surface antigen. जो डार्क लाइन है ये बायोमास की है और जो लाइट कलर की लाइन है ये है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की। डॉटेड लाइन आपको ग्लिसरॉल दिखा रही है और मेथनॉल दिखा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको इस वाई एक्सिस पे बायोमास दिखाया गया है या फिर ग्लिसरॉल या मेथनॉल की कंसंट्रेशन दिखाई गई है और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखाया गया है। तो ग्रोथ का आप देखिए इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे बायोमास या फिर कह सकते हैं ग्लिसरॉल या मेथनॉल का कंसंट्रेशन देखिए बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बायोमास है वो कम है। यहाँ पे धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर क्या होता है एक लेवल पे जाके ये धीरे धीरे कम होने लगता है, इसको बोला जाता है डिप्रेशन फेज। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे आपका ये जो बायोमास है ये नीचे आने लगा। नेक्स्ट क्या, जैसे जैसे इधर बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे देखिएगा ये ग्रोथ फेज में आपकी सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, जो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती वैसे वैसे आपका सरफेस एंटीजन भी बढ़ने लगता है। अब एक तरफ सरफेस एंटीजन भी बढ़ रहा है, अब नेक्स्ट आता है जो ये जो डिप्रेशन फेज चल रहा है इसके बाद में आप इंडक्शन करवाते हैं, इंडक्शन करवाते हैं मेथनॉल से या ग्लिसरॉल जो भी रहता है, आपने इंडक्शन करवाया। आप देखिए यहाँ पे एक लेवल पे आके ये प्रोडक्शन कम होने लगता है, लेकिन जब आप इंडक्शन करवाते हैं ये अचानक से फिर से बढ़ जाता है। इंडक्शन फेज में देखिए यहाँ पे ये डाउन होते होते ये अचानक फिर इधर बढ़ता हुआ जाता है और उसी तरीके से ये सरफेस एंटीजन का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसको बोला जाता है इंडक्शन फेज, और इंडक्शन फेज में सरफेस एंटीजन जो है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए भी यही है, देखिए रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, पहले बढ़ा है बहुत ज़्यादा जब नॉर्मल फेज है, फिर उसके बाद में जब इसको दोबारा से इंड्यूस किया गया है तो ये फिर से बढ़ गया है और आपको सरफेस एंटीजन ही प्रोड्यूस कराना है जो कि इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। तो यही बताया गया है प्रीवियस स्लाइड में, प्रोडक्शन फर्मेंटर इज कंडक्टेड इन 2-carbon मोड, 2-carbon सोर्स मोड, इसमें 2 कार्बन के सोर्स लिए गए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा।
कल्टीवेशन इज स्टार्टेड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से कल्टीवेशन स्टार्ट होता है इन फेड बैच मोड फॉलोड बाई सेमी कंटिन्यूस ग्लिसरॉल फीडिंग कंडक्टेड बाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल. दस लो ग्लिसरॉल कंसेंट्रेशन आर मेंटेन्ड. और यहाँ पे लो ग्लिसरॉल कंसेंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है अलाउइंग फॉर डेरिप्रेशन ऑफ द MOX और FMD प्रोमोटर्स. देखिएगा यहाँ पे ग्लिसरॉल या मेथेनॉल दिया गया है, धीरे धीरे इसकी कंसेंट्रेशन को लो कर दिया गया है. वही यहाँ पे बताया गया है कि कंटिन्यूसली जो कंसेंट्रेशन होती है ग्लिसरॉल की उसको लो मेंटेन रखा जाता है ताकि ये फेज को लाया जा सके. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर 7080833450 और यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन अवर वेबसाइट www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.